नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें और भगवान शिव की किस तरह से हम पूजा अर्चना करें और कौन सा ऐसा मंत्र है जिसे जाप करें और भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस बार जो महाशिवरात्रि आ रही है ये 4 मार्च को आ रही है। दोस्तों, 4 मार्च के दिन ऐसे बहुत सारे संयोग हैं जो आज तक नहीं बने या कई वर्षों बाद बनने वाले हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं के संयोगों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले खास उपाय और एक मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे जपने से आपकी सारी बाधाएं, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का जो पहला दुर्लभ संयोग है वो ये है कि इस वर्ष महाशिवरात्रि सोमवार के दिन है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोमवार को शिवरात्रि होना बहुत ही अत्यंत दुर्लभ संयोग है। दोस्तों, दूसरा दुर्लभ संयोग ये है कि महाशिवरात्रि तिथि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ श्रवण नक्षत्र का संयोग इस बार बना है। चंद्रमा इस नक्षत्र के स्वामी हैं और शिवजी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है और इसे भगवान विष्णु के वामन अवतार का चरण चिन्ह भी माना गया है। इस नक्षत्र में शिव पुराण के अनुसार धन, वैभव, सुख और समृद्धि के लिए शिव जी की उपासना करना चाहिए। महाशिवरात्रि का दोस्तों तीसरा दुर्लभ संयोग है कि इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च को है और इस दिन शिव योग बन रहा है। शिवरात्रि पर शिव योग में शिव की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में दोस्तों खास उपाय करने से आपको नौकरी में सफलता का योग बनता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का चौथा दुर्लभ संयोग ये है कि महाशिवरात्रि पर योगों में महायोग, जो योगों में भी सबसे जो महान योग होता है वो होता है सर्वार्थ सिद्धि योग और ये सर्वार्थ सिद्धि योग कई सालों बाद बन रहा है। इस योग में महाशिवरात्रि का आना इसका महत्व कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए उपाय आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति दिला देते हैं और आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी आगे कि महाशिवरात्रि को किए जाने वाले खास उपाय और भगवान भोलेनाथ को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भगवान शिव की पूजा विधि जो है महाशिवरात्रि के दिन वो बता देता हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से स्नान कर भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत पूजन विधि के अनुसार करने से इच्छित फल, धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्नान आदि निवृत्त होने के बाद आपने सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद हाथ में थोड़ी सी अक्षत यानी कि चावल और गंगा जल लेकर महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और किसी भी पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को शिवलिंग पर आपने पंचामृत जैसे जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और काले तिल का उपयोग करना है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपने शिवलिंग पर विधि पूर्वक पूजन करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। दोस्तों, शिवलिंग पर आपने बेलपत्र, बैर, धतूरा, भांग आदि भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिव परिवार को केसर का तिलक करें। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को केसर का तिलक करें और सफ़ेद फूल की माला आपने अर्पित करनी है। महाशिवरात्रि पर भगवान का तिलक करने के बाद
उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और एक दीपक उनके चरणों में लगा देना है। दोस्तों उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना अवश्य करें और भगवान शिव जी की आरती जरूर करें। दोस्तों उसके बाद आपने एक खास मंत्र, भगवान शिव का जो खास मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद हाथ जोड़कर आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान शिव को बता देनी है। भगवान शिव को बताकर उनको सभी आपकी जो समस्या हैं उनको ख़त्म करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी ज़िंदगी में आने वाली सभी समस्याओं को ख़त्म कर आपकी ज़िंदगी को सुख समृद्धि से भर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में दोस्तों आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, धन संबंधी हो या मानसिक हो, आर्थिक किसी भी प्रकार की समस्या हो वो दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव अत्यंत ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों भगवान शिव के भोलेपन के बारे में सभी को पता है, इसीलिए भक्त इन्हें भोला भी कहते हैं। मान्यता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सच्चे मन और भाव से दिया गया एक फूल भी भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकता है। शिव पुराण के अनुसार माँ शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान और नित्य क्रम से निवृत्त होकर भस्म का त्रिपुंड तिलक जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों माँ शिवरात्रि के दिन के चार पहर होते हैं। आपने दिन के चारों पहरों में एक एक मंत्र का जाप करना है, उनका विशेष मंत्र जो होता है। दोस्तों माँ शिवरात्रि के प्रथम पहर में आपने संकल्प करके शिवलिंग को दूध से स्नान कराना है और उसके साथ ही आपने खास मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है दोस्तों ओम ह्रीम ईशानाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद द्वितीय प्रहर में, दिन के द्वितीय प्रहर में आपने शिवलिंग को दही से स्नान करवाना चाहिए और आपने शिवलिंग को एक खास मंत्र के साथ ही उसके दही से अभिषेक करना है। मंत्र है दोस्तों ओम ह्रीम अधुराय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना चाहिए। दोस्तों दिन के तीसरे पहर में आपने शिवलिंग को घी से स्नान करवाना है और शिव के जो खास मंत्र है वो है ओम ह्रीम वाम देवाय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। दोस्तों दिन के चौथे पहर में आपने शिवलिंग को शहद से स्नान करवाना है और आपने खास मंत्र ओम ह्रीम सद्धो जाताय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है। दोस्तों इस तरह से इन बोले गए मंत्रों को 108 बार जाप करना है, एक माला जाप करना है। ये करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की ये पूजा जो होती है भगवान शिव को अत्यंत ही प्रसन्न कर देती है। भगवान शिव आपके मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप तुरंत बता दें, भगवान शिव आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि के खास मंत्र जो आपने करना है। और दोस्तों अगर आपको ये मंत्र, ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ओम नमः शिवाय लिखकर ज़रूर भेजें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। धन्यवाद।